हेलो फ्रेंड्स, सर्वसानी किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे दही भल्लो की रेसिपी, जिसके लिए मैंने यहाँ पर हाफ केजी मूंग की दाल ली है। मूंग की दाल को मैंने ओवरनाइट पानी में भिगो कर रख दिया था। देखिए ये काफी सॉफ्ट हो गई है। अब हम दाल को पीस लेते हैं। दाल को पीसते टाइम हमें दाल में पानी नहीं डालना है, हमें बिना पानी के ही दाल को पीसना है और एकदम बारीक पीसना है। दरदरा बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, इससे ही हमारे जो भल्ले हैं वो बहुत अच्छे बनेंगे। देखिए दाल हमारी पिस गई है, इस तरीके की हमारी दाल पिस के हो जानी चाहिए। अब हम दाल को बर्तन में निकाल लेते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये भल्ले जो है मूंग की दाल के क्यों बना रहे हैं, क्योंकि मूंग की दाल के जो भल्ले होते हैं वो पेट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। मतलब उड़द की दाल के साथ जो दही का वो कोई मेल नहीं होता। एक मैं सजेशन आपको देना चाहूँगी कि आप जब भी बनाएं वो मूँग की दाल के ही बनाएं। अब सबसे ज़्यादा मेहनत जो करनी है हमें यहाँ पर करनी है, हमें लगातार दाल को हाथ से लगातार घुमाना है। मतलब कम से कम 3 से 4 मिनट हमें ये लगातार काम करना है। इससे जो दाल है वो काफी हल्की हो जाएगी और भल्ले हमारे एकदम सॉफ्ट बनेंगे। सबसे ज्यादा मेहनत हमें यहाँ पे करनी है। मैंने यहाँ पे हल्का सा खाने का सोडा डाला है। खाने का सोडा आप तभी डालें जब आप भल्ले डालने के लिए एकदम रेडी हो। इससे पहले आप खाने का सोडा डाल के दाल को ना रखें। अगर आप पहले खाने का सोडा डाल के दाल को रख दोगे तो तेल में झाग पैदा हो जाएंगे, फिर आप परेशान हो जाओगे। इसलिए आप जब आप भल्ले बनाने के लिए एकदम रेडी हो तभी आप खाने का सोडा डालें, इससे पहले ना डालें। वीडियो को पूरा देखें, पूरे वीडियो देखने पर ही समझ में आएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए इस साइड में हमारा जो तेल है वो एकदम गर्म हो गया है। अब हम एक एक करके भल्ले डालते जाएंगे। भल्लों को आप सावधानी पूर्वक डालें, हाथ में तेल की छींटे आ सकती हैं। भल्ले डालते टाइम हम फ्लेम को मीडियम रखेंगे, हाई फ्लेम पे हमें भल्ले नहीं बनाने हैं, क्योंकि अगर हम हाई फ्लेम पर भल्ले बनाएंगे तो भल्ले जो है वो ऊपर से तो क्रिस्पी हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे, इसलिए हम फ्लेम को मीडियम ही रखें। देखिए हमारे जो भल्ले हैं वो एकदम बढ़िया बन गए हैं, ये अंदर से भी पक गए हैं। अब इनको निकाल लेते हैं। अब हम भल्लों को सावधानी पूर्वक निकाल लेंगे। मैंने जो ये यहाँ पे भल्ले बनाए हैं वो प्योर सरसों के तेल में बनाए हैं। आप रिफाइंड ऑयल या अदर किसी भी तेल में बना सकते हैं। अब इन भल्लों को हम पानी में डाल देंगे। भल्लों के लिए जो मैंने पानी तैयार किया है उसमें मैंने 1 चम्मच शुगर डाली है, 1/2 चम्मच नमक और 3 हरी इलायची को मैंने यहाँ पर क्रश करके डाला। अब करीबन 1/2 घंटे के लिए हम इसको ढककर रख देंगे। अब इसके बाद बनाएंगे हम यहाँ पर गुड़ की मीठी चटनी। मीठी चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1/2 केजी गुड़ लिया है। ये 1/2 केजी गुड़ है, इसको हम कढ़ाई में डाल देते हैं। अब हम यहाँ पर पानी डाल देंगे। पानी हमें गुड़ से ज़्यादा रखना है, इतना हमारा गुड़ है उसमें हमें 2 गुना पानी रखना है। आज की जो वीडियो हमारी काफ़ी लंबी होने वाली है, क्योंकि हमने जो दही भल्लों का पूरा प्रोसेस हम इसमें दिखा रहे हैं। हम चटनी को अलग अलग नहीं दिखा रहे हैं, इतना इसमें सामान डलता है दही भल्लों में, सारा प्रोसेस इसमें क्यों दिखाएंगे, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें।
देखिए चटनी में उबाल आ गया है। अब इसमें मैंने यहाँ पर डाली है क्रश की हुई 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच सूखा हरा धनिया, इसको भी हम क्रश करके डाल देंगे। व्हाइट सॉल्ट और 1/2 चम्मच ब्लैक सॉल्ट, काला नमक। और कलर के लिए मैंने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, ये मैंने यहाँ पे 1/2 चम्मच डाली है। और 2 से 3 मैंने यहाँ पे जो छोटी हरी इलायची होती है उसके जो बीज है उसको निकाल के मैंने इसमें डाला है। अब जब तक हमारी गुड़ की चटनी बनकर तैयार होती है तब तक हम हरी चटनी बनाकर तैयार कर लेते हैं। हरी चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर हरा धनिया लिया है, 3 से 4 लहसुन भी कर लिया है, 5 से 6 हरी मिर्च और 1/2 इंच मैंने यहाँ पर अदरक का टुकड़ा लिया है। इन सब चीजों को हम मिक्सी के जार में डाल लेंगे। मैंने यहाँ पर डाला है 1 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच नमक, नमक का अपने टेस्ट तक पसंद डाली और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर हींग डाला है, हींग के पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। अब थोड़ा सा हम यहाँ पर पानी डालेंगे और पानी डाल के हम चटनी को पीस लेंगे। देखिए चटनी हमारी पीस गई है। अब इसको हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। अब दूसरी साइड में जो हमने गुड़ की चटनी बनानी स्टार्ट की थी वो एकदम कंप्लीट हो गई है। मैंने यहाँ पर 1/2 कटोरी तरबूज के बीज डाले हैं। गुड़ की चटनी की पहचान है उसमें एक तार बनना चाहिए, ये एकदम कंप्लीट है। देखिए हमारी गुड़ की चटनी में एक तार बन रहा है तो हमारी चटनी एकदम परफेक्ट है। देखिए इस तरीके का तार बनना चाहिए। अब यहाँ पे लिया है मैंने दही, ये 1 लोटा दही है, ये फैटी हुई दही है। इसमें मैंने 1 चम्मच शुगर डाली है, शुगर डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम आपको दही वाले लगा के दिखाते हैं। अब हम पानी में से भल्ले निकालेंगे, उसको निचोड़ के प्लेट में रख देंगे। जितनी भी क्वांटिटी में आपको चाहिए उसके बाद हम डाल देते हैं इसके ऊपर से दही। थोड़ा दही और डाल देते हैं। इसके बाद डाली मैंने यहाँ पर गुड़ की मीठी चटनी। अब हरी चटनी डाल देते हैं। इसके बाद रोस्टेड करा हुआ मैंने यहाँ पर जीरा लिया है, रोस्टेड करा हुआ जीरा पाउडर, काला नमक, लाल मिर्च पाउडर, अब हम यहाँ पर अनार के दाने डाल देंगे। ये हमारे दही भल्ले बनके एकदम रेडी हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। वीडियो तो आपको देखने में काफ़ी बड़ी लगी होगी बट खाने में भी इतनी टेस्टी लगेगी, एक बार जरूर बनाएं।